वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स. हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था जूलॉजी में एनिमल डाइवर्सिटी का जो आपका पेपर नंबर वन है बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर, प्लाज्मोडियम. किसके बारे में पढ़ा था? प्लाज्मोडियम, जो कि एक मलेरियल पैरासाइट है. राइट, मलेरियल पैरासाइट इट मीन्स कौन सी डिजीज़ कॉज करता है? ये मलेरिया कॉज करता है. इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ जान लेते हैं जिससे आपको आगे कंटिन्यू स्टडी करने में हेल्प मिलेगी. प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है ये पैरासाइट है और ये डायजेनेटिक है. क्या है ये? डायजेनेटिक अर्थात ये अपना जीवन चक्र लाइफ स्टाइल दो पोषक के अंदर, दो परपोषियों के अंदर कंप्लीट करता है. दो होस्ट, इट रिक्वायर्स टू होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल. जिसमें इसके दो होस्ट कौन से थे? एक तो मॉस्किटो. कौन सा मॉस्किटो? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो. फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो और दूसरा है ह्यूमन. अब एक है इसके अंदर प्राइमरी यानी डेफिनेट होस्ट, वो है यहाँ पर मॉस्किटो. कौन सा है? मॉस्किटो. क्योंकि इसी के अंदर इसकी जो सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है वो अटेन होती है. ये सेक्सुअली रूप से मैच्योर गैमीट्स किस में राइज करता है? किसके अंदर बनते हैं? मॉस्किटो के अंदर. इसीलिए इसका डेफिनेट यानी प्राइमरी होस्ट कौन है? मॉस्किटो. और ह्यूमन इसका क्या है? सेकेंडरी होस्ट. और डेफिनेट होस्ट से ह्यूमन में संक्रमण हेतु, इन्फेक्शन हेतु क्या चाहिए होता है? इसकी पैरासाइटिक फॉर्म यानी इन्फेक्शियस फॉर्म, वो कौन सी फॉर्म थी? स्पोरोजॉइट. कौन सी फॉर्म थी? स्पोरोजॉइट, जिसका स्ट्रक्चर हम डिटेल में भी पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट थिंग इसके बारे में ये थी, जब इसकी हमने लाइफ साइकिल स्टडी करी थी तो इसकी लाइफ साइकिल दो चरणों के अंदर स्टडी करी थी. पहली लाइफ साइकिल चलती है ह्यूमन के अंदर, दूसरी चलती है मॉस्किटो के अंदर. ठीक है, मॉस्किटो से जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड मॉस्किटो है, ऑलरेडी संक्रमित मॉस्किटो है, अर्थात जिसके सलाइवरी ग्लैंड में या जिसकी बॉडी के अंदर ये प्रोटोजोवन, ये प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है, अगर ऐसा मच्छर, ऐसा फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जब हेल्दी ह्यूमन बीइंग को बाइट करता है तो वो अपने साथ में और उसको क्या दे देता है? इन्फेक्शन. बहुत सारे इसके अंदर स्पोरोजॉइट्स एंटर कर जाते हैं. ह्यूमन के अंदर कहाँ पर इन्फेक्शन होता है? सर्वप्रथम लिवर और उसके बाद में आरबीसी. लिवर में चलने वाले चक्र को क्या बोला गया था? प्रो एरिथ्रोसाइटिक यानी एरिथ्रोसाइटिक से पहले, जिसको हमने दो में डिवाइड किया था, प्री एंड एक्सो. प्री एंड एक्सो और आरबीसी में चढ़ने वाले चक्र को हमने क्या बोला था? एरिथ्रोसाइटिक. ठीक है, ये चक्र कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर किस प्रकार का था? ह्यूमन के अंदर जो डिवीजन होता है इस पैरासाइट का, इस प्रोटोजोन का, वो होता है एसेक्सुअल, अलैंगिक जनन, और उसको बोला जाता है स्किज़ोगोनी. क्या बोला जाता है? स्किज़ोगोनी. यहाँ पर बनते हैं आपके गैमीट्स, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट. अभी ये जब मेल और फीमेल का जो मैच्योरेशन है वो किसके अंदर होता है? मॉस्किटो के अंदर. गैमीट्स क्या बनाते हैं? फ्यूज करके जाइगोट. जाइगोट के बाद में बना था ओकिनेट. ओकिनेट के बाद में ओसिस्ट. ये पूरा मैं डिटेल में प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल के अंदर आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ. ये सिर्फ इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है, नथिंग एल्स. ठीक है, और ओसिस्ट बनने के बाद में ये कौन सी फॉर्म्स आ गई इसकी? जिस डिवीजन को बोलते हैं स्पोरोगोनी. क्या बोलते हैं? स्पोरोगोनी. और मॉस्किटो के अंदर चलता है इसका लैंगिक चक्र. ठीक है, स्पोरोगोनी के बाद बनते हैं स्पोरोजॉइट्स और ये स्पोरोजॉइट्स पुनः एक हेल्दी ह्यूमन को क्या करते हैं? इन्फेक्ट करने के लिए केपेबल हो जाते हैं. तो ये बात थी अपने प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल की. अब प्लाज्मोडियम जो डिजीज़ कॉज करता है उसे हम क्या बोलते हैं? मलेरिया. इसका नाम ही यही है कि ये क्या है? मलेरियन पैरासाइट. मलेरियन पैरासाइट अ प्रोटोजोअन. ठीक है, अब मलेरिया में सबने सिम्टम्स की हम बात करते हैं. सिम्टम्स पे चलने से पहले जब इसके सिम्टम्स अराइज होते हैं वो कितने कितने तरह के होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपको किस स्पीशीज़ ने इन्फेक्ट किया है. प्लाज्मोडियम की कौन सी जाति के द्वारा आप संक्रमित हुए हो उस पर डिपेंड करता है कि आपको मलेरिया कौन से टाइप का हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग ही सिम्टम्स आते हैं. ध्यान में रखिएगा ये बात. तो सर्वप्रथम हम टाइप्स ऑफ मलेरिया के बारे में बात करते हैं. मैंने आप लोगों के लिए चार्ट बना दिया है. ठीक है, टाइप्स ऑफ मलेरिया के अंदर सबसे पहले
यहाँ पे मैंने लिखा है मलेरिया के प्रकार, और मलेरिया के प्रकार किसके आधार पर विभाजित हैं कि बुखार हमें कितने टाइम में वापस रिपीट हो रहा है। फीवर रिकरेंस, रिकरेंस यानी बार बार बुखार का रिपीट होना, ये आप लोग बहुत अच्छे से अवगत होंगे कि मलेरिया के अंदर फीवर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर बार बार रिपीट होता है। किसी को 24 घंटे में दोबारा बुखार आता है, किसी को 48 आवर्स में आता है, किसी को 72 आवर्स में आता है। उसके आधार पर हमने मलेरिया को विभाजित किया है। तो सर्वप्रथम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, मलेरिया को बोला जाता है टर्शियन, नाम में ही आंसर है टर्शियन, यानी जो बुखार होगा वो हर तीसरे दिन रिपीट होगा, हर थर्ड डे रिपीट होगा, यानी बुखार 48 घंटों के बाद तीसरे दिन वापस आएगा। ठीक है, ये जो बुखार है यानी ये जो टर्शियन मलेरिया है, ये कौन सी स्पीशीज़ के द्वारा होता है, प्लीज़ नोट इट डाउन, क्योंकि हर स्पीशीज़ का बुखार करने की जो समय अवधि होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, क्योंकि सबका इंक्यूबेशन पीरियड अलग होता है, और बुखार तब आता है जब RBC को रप्चर करके प्लाज्मोडियम जो है वो बाहर आपके आ जाता है और इम्यून रिस्पॉन्स उसको आइडेंटिफाई करने लग जाता है। जब तक इम्यून रिस्पॉन्स आइडेंटिफाई नहीं करेगा, किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया शरीर के द्वारा इस प्लाज्मोडियम के अगेंस्ट नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है वो करता है टर्शियन मलेरिया, और इस बुखार के अंतर्गत जो बुखार ज्वर आता है वो हर तीसरे दिन आता है, यानी 48 घंटों के बाद आता है। इस बुखार के कारण किसी प्रकार की डेथ यानी मृत्यु नहीं होती है, ये ज़्यादा खतरनाक बुखार नहीं है, यानी इस प्रकार का मलेरिया डेथ कॉज करने में केपेबल नहीं होता। ये बेसिकली ये जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की स्पीशीज़ है, ये कौन से रीजन में कन्फाइंड है, टेम्परेट रीजन्स में कन्फाइंड है। यहाँ पर एक वर्ड है जिसे बोला गया बेनाइन, बेनाइन का मतलब होता है कि ये मलेरिया ज़्यादा घातक नहीं है। ठीक है, बेनाइन साइलेंट है, माइल्ड है, बुखार होने के बाद हम ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन दूसरा है आपके पास में सेकेंड नंबर क्वार्टन, क्वार्टन मलेरिया, क्वार्टन मलेरिया प्लाज्मोडियम की जो स्पीशीज़ है प्लाज्मोडियम मलेरी, उसके द्वारा किया जाता है या उसके द्वारा ये डिजीज़ होती है। कौन सी, क्वार्टन मलेरिया, यानी बुखार कब रिपीट होगा, क्वार्टन मतलब फोर, क्वार्टन फोर बोलते हैं, तो हर फोर्थ डे चौथे दिन आपको 3 दिन के बाद वापस बुखार आएगा, और 3 दिन यानी कितने घंटे, 72 आवर्स, 72 घंटों के बाद में बुखार आना चालू हो जाएगा। अब ये अवधि बहुत बड़ी है, इस मलेरी स्पीशीज़ के कारण जो बुखार आता है, बुखार होने की अवधि होती है वो बहुत बड़ी होती है, इसलिए इसको हमने बोला लॉन्ग पीरियड। ठीक है, और ये भी इतना फैटल यानी इतना घातक मलेरिया नहीं है, बट स्टिल ये आपकी किडनी को डैमेज कर सकता है, ये आपके लिवर को डैमेज कर सकता है। ठीक है, क्योंकि कहाँ पर होता है प्लाज्मोडियम मलेरिया का इन्फेक्शन, प्लाज्मोडियम की स्पीशीज़ कहाँ इन्फेक्ट करती है, लिवर के अंदर और RBC के अंदर। आपको जनरल सिम्टम ज़रूर आएंगे लेकिन वो क्योर होते हैं। ठीक है, वो ठीक हो सकते हैं, इट्स ट्रीटेबल, क्योरेबल। नेक्स्ट नंबर 3 जो अत्यधिक डेथ का कारण होता है वो प्लाज्मोडियम स्पीशीज़ है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम के कारण होने वाले मलेरिया को बोला जाता है मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट का मतलब आक्रामक, अग्रेसिव। ठीक है, और जो चीज़ ज़्यादा एग्रेसिव होगी वो आपको अत्यधिक नुकसान पहुँचाएगी, मैलिग्नेंट। ये हर तीसरे दिन रिपीट होता है, तीसरे दिन रिपीट यानी 48 घंटों के बाद में बुखार आता है, 2 दिन के बाद थर्ड डे बुखार आता है। ये बहुत फैटल है, फैटल यानी घातक जीवन के लिए, फैटल क्योंकि इससे डेथ भी हो जाती है। अब इस मलेरिया को स्पेशली किस सिम्टम के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है, ये मलेरिया की जो प्लाज्मोडियम की स्पीशीज़ है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ये आपके ब्रेन को अफेक्ट करती है, इसीलिए ब्रेन को अफेक्ट करने के कारण, ब्रेन में डैमेज करने के कारण इस प्रकार के मलेरिया को सेरिब्रल मलेरिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेरिब्रल मलेरिया। जब भी पैरासाइट आपके ब्रेन के अंदर एंटर करेगा तो ब्रेन के अंदर, एक तो ब्रेन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर याददाश्त, मेमोरी, तो आपको मेमोरी लॉस हो सकता है, मेमोरी लॉस को बोला जाता है डिमेंशिया। ठीक है, दूसरा
अगर ये बहुत अग्रेसिव और भी आक्रामक तरीके से इन्फेक्शन फैला हुआ और आपने अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं लिया तो दौरे भी बढ़ सकते हैं, कॉन्विल्यूशंस, इवन और ज़्यादा आगे स्थिति में जब स्थिति खराब होती जाती है तो कोमा भी हो सकता है। ठीक है, तो मैलिग्नेंट टर्शियन इज द मोस्ट हार्मफुल मलेरिया विच इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम एंड द फीवर रिपीटेड इन एवरी थर्ड डे एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेरिब्रल मलेरिया बिकॉज इट अफेक्ट्स योर ब्रेन और ब्रेन डैमेज होते ही मेमोरी लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ द मलेरिया माइल्ड टर्शियन का मतलब ये इतना घातक नहीं है, माइल्ड है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ये जो भी सिम्टम्स है उससे किसी पेशेंट की डेथ नहीं होती। ठीक है, मंद, माइल्ड का मतलब मंद, नॉट हार्मफुल, ज़्यादा हानिकारक नहीं है। ठीक है, टर्शियन का मतलब बुखार कितने दिन में रिपीट होगा, हर थर्ड डे, यानी दो दिन के बाद में, 48 घंटों के बाद में तीसरे दिन क्या स्टार्ट होगा, बुखार स्टार्ट होगा। ठीक है, बेसिकली ये अफ्रीका के अंदर कन्फाइंड होता है। ठीक है, अफ्रीका के अंदर, और उसके अलावा इसकी जो स्पीशीज़ है जो माइल्ड टर्शियन मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वो स्पीशीज़ है प्लाज्मोडियम ओवेल। कौन सी स्पीशीज़ है, प्लाज्मोडियम ओवेल, क्योंकि हमने एक तो स्पीशीज़ के आधार पर, और वो स्पीशीज़ कितने दिन तक बुखार को रखती है और बुखार रिपीट कितने दिन में होता है उसके आधार पर हमने इसको विभाजित किया है। नेक्स्ट नंबर 5, क्वेटिडियन, या आपकी बुक में ये भी लिखा होगा क्वेटिडियन मलेरिया। अब ये मलेरिया कब होता है, जब एक से ज़्यादा प्लाज्मोडियम की स्पीशीज़ ने आपको इन्फेक्ट किया हो, हो सकता है ओवेल ने भी किया हो सकता है मलेरी ने भी किया हो। ठीक है, वी नेवर नो कि कौन से स्पीशीज़ ने किया है, लेकिन जब एक से ज़्यादा स्पीशीज़ ने किया हो तो इस प्रकार का बुखार आता है। और इस प्रकार के बुखार में बुखार होने की जो अवधि होती है वो निश्चित नहीं होती बेसिकली। क्यों, क्योंकि हर प्लाज्मोडियम के स्पीशीज़ के प्रजनन करने का, उसके डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज में जाने का टाइम अलग अलग होता है, तो इसलिए बुखार आ भी सकता है, और जब बुखार आता है तो उसका टाइम फिक्स नहीं होता। इसीलिए क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन है इसके अंदर प्लाज्मोडियम की, हो सकता है मीरोजोइट फॉर्म में हो सकता है मेटोजोइट फॉर्म में हो, गैमिटोसाइट फॉर्म में हो, आरबीसी को बस्ट करके वो बाहर आ गए हो, एक के बाहर आ गए ओवेल के और उसके बाद में दूसरे के बाहर आ गए, तो यानी टाइम पीरियड क्या होता जा रहा है इसके अंदर, टाइम फिक्स नहीं है। इसलिए जो बहुत सारी जनरेशंस एक ही ह्यूमन, इन्फेक्टेड ह्यूमन के अंदर पाई जाती है, तो बुखार हर 24 घंटे में रिपीट होता है, कितने में, 24 आवर्स के अंदर, क्योंकि इसके अंदर एक से ज़्यादा प्लाज्मोडियम की स्पीशीज़ है जो कि अपने डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन टाइम के अंदर है। ठीक है, 2 or more generations of the parasites mature in the same human, in the same liver and RBC, या एक ही समय पर। ठीक है, तो ये हो गया आपके टाइप्स ऑफ मलेरिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको एग्ज़ाम में बता के आना है, टाइप्स ऑफ मलेरिया। तो ये हमें पता चल गया कि जब हमें सिम्टम्स आएंगे तो किस तरीके से आएंगे और बुखार हर अवधि में कितनी बार रिपीट होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं मलेरिया के लक्षणों के ऊपर। सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, ठीक है, मलेरिया के सिम्टम्स में हम ये देखते हैं, जैसे ही पैरासाइट आरबीसी से बाहर आता है तो इन्फेक्शन के कारण या इन्फ्लामेशन के कारण इम्यून रिस्पॉन्स आइडेंटिफाई करता है और डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्स इसके अगेंस्ट में देता है। तो फर्स्ट जो सिम्टम्स होते हैं वो 7 दिनों के बाद, जो पहले लक्षण होते हैं वो 7 डेज के बाद में आते हैं, किसके बाद में, 7th day ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द प्लाज्मोडियम द सिम्टम्स स्टार्ट्स अपियरिंग। ठीक है, अब यहाँ पर जो फीवर आता है उसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मलेरिया फीवर की खासियत ये है कि वो
डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइडेड है। इतने में सब में पहले आपको ठंड लगती है, उस अवस्था को बोलते हैं कोल्ड स्टेज। क्या बोलते हैं? कोल्ड स्टेज। उसके बाद में ठंड लगने के बाद में आती है हॉट स्टेज। हॉट स्टेज यानी आपको फीवर हो जाता है 101, 102 या 103 तक आपका फीवर चला जाता है। उसके बाद में आपकी अवस्था आती है स्वेटिंग, स्वेटिंग स्टेज। कौन सी अवस्था हो गई ये? तीन अवस्था हो गई मलेरिया के लक्षणों में जो हम पढ़ेंगे। सर्वप्रथम बुखार आना। तो बुखार कितनी अवस्था में आता है? बुखार इज डिवाइडेड इनटू, फीवर इज डिवाइडेड इनटू थ्री स्टेज। फर्स्ट इज कोल्ड स्टेज। कोल्ड स्टेज में आपको कपकपी लगेगी। कपकपी को बोलते हैं शिवरिंग। क्या बोलते हैं हम? शिवरिंग होती है। इसको हम ये भी बोल देते हैं, कई बार आप बुक्स में देखेंगे, सीवियर चिल्स, यानी ठंड का एहसास होने लग जाएगा, लेकिन वो ठंड होगी एक्सट्रीम। और पेशेंट को हमें कंबल या मोर देन वन ब्लैंकेट, कंबल को क्या बोलते हैं? ब्लैंकेट से हमको उसको कवर करना पड़ता है, टू गेट रिलीफ फ्रॉम दी कोल्ड स्टेज। जो उसको शिवरिंग लग रही है, जो उसको ठंड लग रही है, उससे बचने के लिए उसे हमें उसे कंबल कवर करना पड़ता है, कंबल उठाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर तो ये कौन सी अवस्था हो गई? कोल्ड स्टेज। यहाँ पर पेशेंट को बहुत अत्यधिक क्या लगती है? ठंड लगती है। इवन चैटरिंग, चैटरिंग का मतलब होता है जो टीथ होते हैं, टीथ चैटरिंग, दांतों का कटकटाना। जब एक्सट्रीम ठंड लगती है तो दांत भी साथ में कटकटाते हैं, तो उसको बोलते हैं टीथ चैटरिंग। तो ये अवस्था कौन सी हो गई? कोल्ड स्टेज। अब इस चिलिंग के बाद में बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। इस अवस्था के बाद में बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, यानी पेशेंट को बहुत अत्यधिक बुखार आने लगता है, ज्वर ज़्यादा हो जाता है, और इसकी वजह से उसको सीवियर हेडेक भी होता है, बॉडी के अंदर पेन भी होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, और कई बार सांस लेने में भी तकलीफ होती है, एम्फाइजीमा, ठीक है। हॉट स्टेज जो होती है वो पेशेंट के लिए बहुत ही क्या होती है? डिस्कम्फर्ट वाली स्टेज होती है, क्योंकि उसमें उसके मल्टीपल पूरी जो बॉडी होती है वो बुखार से टूट जाती है, पेन होता है एक्सट्रीम, हेडेक होता है एक्सट्रीम, और दवाई से सिर्फ थोड़ी देर आराम मिलता है, उसके बाद ये फेस वापस रिपीट हो जाता है, ठीक है। यानी डिस्कम्फर्ट इस अवस्था में रहता है। इस दौरान पेशेंट को कोल्ड स्ट्राइप्स या कोल्ड स्ट्रेप्स दी जाती है। कोल्ड स्ट्राइप्स का मतलब है ठंडी पट्टियाँ। क्या करी जाती है? ठंडी पट्टियाँ करी जाती हैं, जिससे उसके बुखार में हम उसको थोड़ा सा रिलीफ दे सकें, यानी उसके टेम्परेचर को हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सकें, ठीक है। ये जो अवस्था है ये एक घंटे तक अप्रॉक्सीमेटली, जो ज्वर की अवस्था है वो एक घंटे तक रहती है। कई बार ये स्टेज एक्सट्रीम, जो बुखार होता है वो धीरे धीरे उतरता है मलेरिया में, तो ये 4 घंटे तक रहती है, और जो चिलिंग वाली है वो 20 मिनट से 1 घंटे तक रहती है, ठीक है। तो कोल्ड स्टेज, कोल्ड स्टेज के बाद क्या आया अपन? हॉट स्टेज में। अब हॉट स्टेज के बाद में क्या होता है? हॉट स्टेज के बाद में पेशेंट थोड़ा रिलीफ महसूस करने लगता है, क्योंकि अब उसको क्या आने लग जाते हैं? पसीने आने लग जाते हैं, स्वेट। स्वेटिंग का मतलब भी क्या होता है? पसीने आना। और धीरे धीरे उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। पसीने आने से अपना जो हाइपोथैलेमस होता है वो अपने टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। जैसे कोल्ड स्टेज में जाते हैं तो कोल्ड स्टेज में अपना हाइपोथैलेमस सिग्नल करता है, इट एक्ट्स एज अ थर्मोस्टेट, यानी टेम्परेचर को कंट्रोल करना, स्टेबल बनाए रखना, इसलिए वो किस में ले जाता है उसको? हॉट अवस्था में। और जैसे ही हॉट अवस्था में आता है, यानी ज्वर बहुत अत्यधिक हो गया, तो उस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए कौन सी अवस्था आती है? स्वेटिंग अवस्था। कौन सी अवस्था आती है? स्वेटिंग, ठीक है। इसमें टेम्परेचर इसका डाउन हो जाता है, पेशेंट कंफर्ट फील करने लग जाता है, और उसे लगता है नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल एंड कंफर्टेबल, ठीक है। आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये तो बात हो गई बुखार आने की। अब बुखार आने के अलावा पेशेंट में किस किस तरीके के सिम्टम्स देखे जाते हैं उसकी बात करती हूँ, किन लक्षणों के आधार पर हम मलेरिया को डायग्नोस करते हैं।
इसको बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ये जो पैरासाइट है वो किसको इन्फेक्ट करता है, आरबीसी, लाल रक्त कणिकाओं को, रेड ब्लड सेल्स को। यानी रेड ब्लड सेल्स रप्चर होते जाएंगे, डैमेज होते जाएंगे, तो उनका नंबर भी क्या हो जाएगा, कम। रेड ब्लड सेल्स का नंबर भी क्या हो जाएगा, कम, और पेशेंट हो जाएगा अनीमिक, यानी अनीमिया। अनीमिया को क्या बोलते हैं, रक्त की कमी, ठीक है। क्योंकि प्लाज्मोडियम के द्वारा आरबीसी का क्या कर दिया गया है, डिस्ट्रक्शन कर दिया गया है। तो पहला तो ये होता है। दूसरा, जहाँ पर भी ये पैरासाइट प्रेजेंट होगा जिस भी ऑर्गन के अंदर, उस ऑर्गन के अंदर स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। क्या आना स्टार्ट हो जाएगी, स्वेलिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्प्लीन, स्प्लीन के अंदर आने वाली स्वेलिंग को बोलते हैं स्प्लीनोमेगैली। क्या बोलते हैं, स्प्लीनोमेगैली, अर्थात स्प्लीन का बड़ा होना, एनलार्ज्ड स्प्लीन, ठीक है। स्वेलिंग के कारण स्प्लीन क्या हो जाता है, बड़ा, क्योंकि स्वेलिंग के कारण क्या होता है, और स्वेलिंग किसकी वजह से आ रही है, पैरासाइट के इन्फेक्शन के कारण, यानी इन्फ्लामेशन। थर्ड, लिवर, लिवर के अंदर ऑफकोर्स हिपैटोसाइट्स बोला जाता है लिवर के सेल को, हिपैटोसाइट्स, और लिवर भी क्या हो जाता है, एनलार्ज, क्या हो जाता है, एनलार्ज, बड़ा हो जाता है। और इस अवस्था को बोला जाता है हिपैटोमिगैली। क्या बोला जाता है, हिपैटोमिगैली, ठीक है। इतना समझ में आया। थर्ड, जिसे बोलते हैं ब्लैक वाटर डिजीज़। क्या बोलते हैं, ब्लैक वाटर डिजीज़। ये भी एक प्रकार का इसके अंदर सिम्टम है। अब आप बोलेंगे ब्लैक वाटर, काला पानी, पानी, पानी से मतलब है यहाँ पर यूरिन। यूरिन के अंदर जब डिस्ट्रक्टेड आरबीसी, यानी जो आरबीसी क्या हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, वो बाहर आते हैं, तो यूरिन का कलर क्या हो जाता है, ब्लैक। क्या हो जाता है, जब भी हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर डैमेज होता है या नष्ट होने लग जाता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्राउन और डार्क ब्लैक कलर्ड पिगमेंट, ठीक है। तो इसीलिए यूरिन का कलर भी क्या हो जाता है, ब्लैक। तो इसे ब्लैक वाटर फीवर भी बोला जाता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आरबीसी इन द यूरिन, ठीक है। ये तो हो गए इसके टेक्निकल साइंटिफिक टर्म्स, जिसके आधार पर हम सिम्टम्स को समझा सकते हैं। जनरली जब आप लिख के आएंगे एग्जाम में, तो आप इनकी, इन चीज़ों की वजह से क्या क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब खून की कमी हो जाएगी तो आपको क्या फील होगा, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी बॉडी में, क्योंकि आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है उन टिश्यूज तक जहाँ पर उसकी आवश्यकता होती है ऑक्सीजन की। तो O2 की डेफिशिएंसी के कारण पेशेंट बहुत वीक फील करेगा, ठीक है, थक जाएगा, यानी फटीग, ठीक है। उसके जो बॉडी ऑर्गन्स होंगे, फॉर एग्जांपल लिवर, लिवर के अंदर है तो उसको डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी, यानी डाइजेशन में डिसकम्फर्ट होगा, उसको वॉमिटिंग होगी, उसकी भूख मर जाएगी, ठीक है, लॉस ऑफ एपिटाइट। लॉस ऑफ एपिटाइट का मतलब होता है भूख मर जाना, ठीक है, क्योंकि उसके लिवर सेल्स क्या हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं, वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, डाइजेशन डिसकम्फर्ट। यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन की कमी की वजह से आपको फटीग, यानी थकान, वीकनेस, ये फील हो रही है, लेथार्जी, आप बहुत सुस्त हो गए। लेथार्जी का मतलब सुस्त हो जाना, ठीक है, आलस आना, हम एक्टिव नहीं रहते, ठीक है, ये हो गया लेथार्जी। और इसका सर्वप्रथम आप लिख लीजिए हेडेक, और जो हेडेक होता है यानी सिर दर्द, वो बहुत सीवियर होता है। मलेरिया में होने वाला सिर दर्द बहुत सीवियर होता है, जिसकी वजह से अगर सेरिब्रल मलेरिया हो गया है तो लॉस ऑफ मेमोरी भी हो सकता है, वॉमिटिंग हो गई, लिथार्जी हो गया, डिजीनेस, चिड़चिड़ापन भी फील होता है। तो ये कौन से वर्ड हो गए आपके, जो जनरल ब्रॉड कैटेगराइज करे गए हैं सिम्टम्स के आधार पर, और उन सिम्टम्स में आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, वीकनेस, फटीग, लिथार्जी, सिर दर्द होना, डाइजेशन में प्रॉब्लम होना, उल्टी होना, लॉस ऑफ एपिटाइट मतलब भूखना लगना। तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, सिम्टम्स ऑफ दी मलेरिया, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके लिख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट कम प्रिवेंशन ऑफ दी मलेरिया।
प्रिवेंशन का मतलब रोकथाम, आप किस तरीके से मलेरिया को रोक सकते हैं। हाँ, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसे हम लैब के अंदर डायग्नोस कैसे करते हैं। दो तरीके से मलेरिया को टेस्ट किया जाता है। पहला, ब्लड टेस्ट। जिस भी पेशेंट के अंदर मलेरिया होने की संभावना होती है, उसके ब्लड सैंपल के अंदर मलेरिया की पैरासाइटिक फॉर्म स्पोरोजॉइड्स या स्पोरोजॉइड्स के अलावा जो आरबीसी के अंदर अलग अलग अवस्थाएं हमने पढ़ी, अमीबॉइड, सिग्नेट रिंग स्टेज, ये सब माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के द्वारा देखी जा सकती है। तो ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट में माइक्रोस्कोप की सहायता से आप एग्जामिनेशन करते हो, और एग्जामिनेशन करने के लिए आप पेशेंट का क्या लेते हैं, ब्लड लेते हैं, और उसका क्या प्रिपेयर करते हैं, स्मेयर, थिन स्मेयर, यानी स्लाइड के ऊपर ब्लड को अच्छे से स्प्रेड करते हैं, और उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है और अलग अलग प्लाज्मोडियम की फॉर्म्स का अध्ययन किया जाता है। ब्लड के अंदर इसकी प्रेजेंस पॉजिटिव टेस्ट को इंडिकेट करती है कि यस यू आर सफरिंग फ्रॉम द मलेरिया। कई बार जब ब्लड टेस्ट के अंदर ऑल द सिम्टम्स होते हैं, लेकिन कई बार ब्लड के अंदर अगर नहीं आ रहा है तो हम क्या करते हैं, ब्लड को सांद्रित कर लेते हैं, यानी उसको सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने से क्या होगा, जितने भी प्लाज्मोडियम की स्पीशीज होंगी वो कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी उस ब्लड सैंपल के अंदर। अगर नहीं भी होगी, जैसे एक बार ब्लड सैंपल में नहीं आई, तो हमने दो तीन बार उसको क्या किया, सेंट्रीफ्यूज किया, एंड देन हमने उसका स्मेयर बनाया। सेंट्रीफ्यूज करने से ब्लड के अंदर उपस्थित प्लाज्मोडियम क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेट, यानी उनका नंबर क्या हो गया उसके अंदर, ऑब्जर्व करने लायक हो गया कि इस ब्लड के अंदर अपने को प्लाज्मोडियम की उपस्थिति का पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई ब्लड टेस्ट। इसके अलावा होता है एंटीजन टेस्ट। क्या होता है एंटीजन टेस्ट? एंटीजन टेस्ट में हम क्या करते हैं, प्लाज्मोडियम एज ए एंटीजन वर्क करता है, और इस एंटीजन के लिए लैब के अंदर प्रिपेयर होती है एंटीबॉडी। अगर ये एंटीबॉडी इस एंटीजन के साथ बाइंड कर जाती है तो इट विल इंडिकेट द पॉजिटिव टेस्ट फॉर मलेरिया। ये आपके सेकेंड ईयर में भी है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। यानी एंटीजन वो फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं जो आपकी बॉडी में प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते, और जब वो बाहर से एंटर करते हैं तो वो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। वो किसी भी प्रकार का वायरस हो सकता है, वो किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया हो सकता है, वो किसी भी प्रकार का प्रोटोजोअन, पैरासाइट, कुछ भी हो सकता है जो आपकी बॉडी के लिए नेचुरली प्रेजेंट नहीं होता। एंटीजन इज द मॉलिक्यूल विच इज फॉरेन टू योर बॉडी एंड कॉज सीवियर डैमेज। ये बैक्टीरिया की इवन सेल वॉल का हिस्सा भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, पेप्टिडोग्लाइकन भी हो सकता है, पाइली हो सकते हैं, कुछ भी हिस्सा हो सकता है। इट मे बी प्रोटीन, इट मे बी कार्बोहाइड्रेट, इट मे बी लिपिड, इट मे बी न्यूक्लिक एसिड, एनीथिंग विच इज़ नॉट योर ऑफ ओन्स बॉडी, नॉट सेल्फ, वो रिगार्डेड एज एन एंटीजन, हिंदी में बोला जाता है प्रतिजन, और उन प्रतिजनों के खिलाफ हमारा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिरक्षियाँ बनाता है, एंटीबॉडी, इम्यूनो ग्लोबुलिन बनाता है। ठीक है, और उसी के आधार पर हम लैब के अंदर इसको डायग्नोस कर लेते हैं। लिख लीजिए डायग्नोसिस। ठीक है, डायग्नोसिस के बाद हम बात करेंगे मलेरिया के प्रिवेंशन की। किसकी बात, प्रिवेंशन की। आप मलेरिया के किस तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब बात करेंगे उसकी रोकथाम की, रोकथाम आपको पता होना चाहिए, मुझे इसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि मच्छरों से बचने के लिए आपको किन किन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। आपको मॉस्क्यूटो रिपेलेंट क्रीम्स का उपयोग करना चाहिए। ओडोमॉस नहीं पहना तो घर में रहना, आता है ऐड, थोड़ा बहुत ऐड से भी सीख लेना चाहिए, टीवी में आता है। मॉस्क्यूटो को रिपेल, विकर्षित करने वाले लोशंस या ऑइंटमेंट्स का यूज़ करना चाहिए, क्रीम का यूज़ करना चाहिए। दूसरा, मॉस्क्यूटो से बचने के लिए नेट, जो जाल होते हैं, उनका उपयोग करना चाहिए। तीसरा, आप यहाँ तो बच गए लेकिन अगर बाहर, हमें पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, कलेक्शन ऑफ वाटर या डिपोजिशन ऑफ वाटर इज़ अवॉइडेड। ठहरे हुए पानी के अंदर क्या होता है, मच्छर आसानी से अपने लार्वा को जन्म दे देता है, या मच्छर प्रजनन करने में सक्षम